जीवित पुत्री का जितिया व्रत पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये व्रत प्रत्येक वर्ष आश्वन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घ आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन की विशेष पूजा की जाती है। व्रत वाले दिन जीवित पुत्री का जितिया व्रत कथा सुनना आवश्यक माना गया है। इससे व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। इसकी तैयारी महिलाएं बहुत पहले से करती हैं, इसलिए इस दिन माताएं पुत्र की लंबी आयु के लिए निर्जल रहकर पूरे दिन व्रत रखती हैं और गंधर्वों के राजकुमार भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। रविवार को निर्जल व्रत रहने वाली माताएं शाम के समय जंगली पौध बरियार की विधिवत पूजा करते हुए अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना की। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि ये दिन बड़ा ही उत्तम है। इस दिन जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन पर आने वाला संकट टल जाते हैं और संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। इसलिए इस दिन माताओं को निर्जल रहकर पूरे दिन व्रत रखती हैं और गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं, क्योंकि इस दिन के देवता जीमूत वाहन भगवान गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन के विषय में एक रोचक कथा है। आइए जानते हैं जीमूत वाहन व्रत कथा। एक बार गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन गंधमादन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनके कानों में एक वृद्ध स्त्री की रोने की आवाज़ आई। गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन ने महिला के पास जाकर रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं शंखचूड़ नाग की माता हूँ। आज भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शंखचूड़ को उठाकर ले जाएगा और खा जाएगा, इसलिए दुखी होकर रो रही हूँ। गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन ने कहा कि मैं आज आपके पुत्र के बदले गरुड़ का आहार बनूंगा और आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। गरुड़ जब शंखचूड़ को लेने आया तो गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन शंखचूड़ बनकर बैठ गए। गरुड़ गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन को लेकर उड़ चला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो शंखचूड़ की जगह एक मानव को उठा लाया है। गरुड़ ने पूछा कि हे मानव, तुम कौन हो और मेरा भोजन बनने क्यों चले आए? इस पर गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन ने कहा कि वो गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन है। शंखचूड़ की माता को पुत्र वियोग से बचाने के लिए मैं आपका आहार बनने चला आया। गरुड़ गंधर्वों के राजकुमार के दया और परोपकार की भावना से प्रसन्न हो गए। गंधर्वों के राजकुमार जीमूत वाहन को वरदान दिया कि तुम 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज भोग कर वैकुंठ जाओगे। गंधर्वों के राजकुमार जीवित वाहन के कारण शंखचूड़ की माता को पुत्र वियोग का दर्द नहीं सहना पड़ा। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आश्वन कृष्ण अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन से जीमूत वाहन और जीवित पुत्री का जितिया व्रत करने का विधान शुरू हो गया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जितिया व्रत रखने वाली कुसुमलता, प्रियंका सिंह, नीतू देवी, मीरा देवी एवं उषा देवी ने कहा। अबे कोई आएगा? बुलाइए, बैठाइए। Thank you.
मेरा कुसुम लता है। बच्चे की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु हो, इसलिए पूजा किया जाता है। इनका कथा कहानी भी सुना जाता है। हाँ, निराजल व्रत करते हैं, बस यही है। बच्चे की उम्र हमारी भी लगे और लंबी उम्र से जीवित रहे। क्या मान्यताएं हैं इस त्यौहार की? बस यही, जिसके पे जूत पुत्र का यही होता है, बेटा का। हाँ, इसीलिए व्रत किया जाता है इनका। प्रियंका सिंह, ये जीवतिया का व्रत है और हम लोग अपने बच्चों के लिए ये व्रत रहते हैं। किस विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं आप? हाँ, इसमें बरियार पूजा जाता है। सुबह में जो है कि निराजल रहा जाता है और सुबह के टाइम थोड़ा बहुत आदमी चूड़ा दही ऐसे करके चढ़ाता है चील को और सियारिन को। फिर उसके बाद से वही दही चूड़ा खा के हम लोग व्रत रहते हैं और फिर आज दिन भर निराजल करने के बाद शाम को बरियार पूजते हैं। क्या मान्यता है इस व्रत रहने की? मान्यता यही है कि बेटा दीर्घायु हो, इसके लिए हम लोग ये व्रत रहते हैं। श्रीमती नीतू देवी, हम लोग जूती है आज व्रत हैं। हम लोग अपने बेटा के लिए व्रत करते हैं और बरियार माता को हम लोग पूजा करते हैं, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों को मतलब सहन शक्ति दें, बच्चों की जिंदगी बनी रहे, लंबी उम्र रहे, इसलिए हम लोग व्रत रहते हैं। व्रत रखा जाता है पुत्र के दीर्घायु के लिए। कब से रह रहे हैं? कम से कम कई साल हो गया, 15-16 साल। हे रामचंद्र, जाके अपने माई बाप से कहिया, तुहार माई खड़ी जीतिया भूखल ही। आप 5 साल 6 साल से जीतिया भूखा थी।